भी नहीं लिया, मृत्यु कहां से आ जाएगी? हमने जन्म लिए, जन्म कौन लिया है? हाँ, शरीर ने जन्म लिया है। इस्कॉन में क्या सिखाया जाता है जो बाकी जगह पे बहुत कम सिखाया जाता है? जो इस्कॉन में एक चीज बहुत कॉमन है जो सबको पता है, जो चीज सिखाया जाता है, वी आर नॉट दिस बॉडी, हम शरीर नहीं है, है ना, हम आत्मा है। अगर हम शरीर नहीं है तो फिर हमारा जन्म ही कहाँ है और मृत्यु ही कहाँ है ना? तो यहाँ पे आज टॉपिक डाला है कि जन्म मृत्यु से परे। तो शरीर का जन्म होते हैं और वो मरते भी, और शरीर बनाया कैसे, और बनाया तो क्यों बनाया है? ये शरीर जो है पंच महाभूत के द्वारा बनाया गया है। क्या क्या है? जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, है ना? ये पांचों चीज से लेकर के ये शरीर को बनाया है। जैसे हम सभी एक वस्त्र पहने हैं, इसमें भी कुछ मटेरियल लगे होंगे जिसको मिक्स करके ये वस्त्र को बनाया है, राइट, ड्रेस को बनाया है, और तब जाकर के ड्रेस बन गया, और वो ड्रेस हमने खरीदा है। और यहाँ पे जो लोग, आप लोग ड्रेस पहने हैं, सभी लोग, हम लोग सबका ड्रेस का कॉस्ट अलग अलग होंगे और कलर भी कुछ अलग होंगे, इसके अंदर मटेरियल भी कुछ अलग अलग डाले होंगे, पर ड्रेस है ड्रेस, उसका नाम ही है ड्रेस। वैसे ही 84 लाख प्रकार के शरीर है, देह है, और इसमें अलग अलग प्रकार के देह बनाए गए हैं। ऐसा नहीं कि सब एक ही प्रकार का ड्रेस शरीर बनाए गए हैं। पेड़ पौधे के शरीर है, पशु पक्षी के शरीर है, मछली का शरीर है, ऐसे कई प्रकार के शरीर बनाए गए हैं। लेकिन उसमें से एक बहुत ही स्पेशल एक शरीर बनाया गया है, और वो शरीर है मनुष्य का, ये मनुष्य देह है। तो ये जो देह बनाते हैं, जैसे हम लोग ने देखे हैं, सुने भी होंगे आप लोग, एक गांव के साइड में ना पिलर बनाए जाते हैं, वो कंक्रीट का पिलर होते हैं, उसमें जो भी कुछ सीमेंट वगैरह सब कुछ चाहिए, उसको मिक्स करके उसके अंदर रड डाल देते हैं और उसमें सारे मटेरियल डालते हैं, और डालने के बाद फिर उसको प्लेन किया जाता है, और तब जाकर को एक पिलर बन जाते हैं। वैसे ये शरीर जो है, ये शरीर में भी वही सारे चीज़ ब्लड वगैरह डाले हैं, मांस वगैरह डाले, उसको लेकर के फिर बाद में इसको प्लेन किया गया है, और अभी ये पूरे चमड़ी को लगा दिया शरीर में से, शरीर बन गया है। तो हम लोग को बहुत, हमारे जीवन में बहुत दुख आते हैं, हम सोचते हैं कि हमें दुख मिला, ये इसने दुख दिया, उसने दुख दिया, कई प्रकार के दुख हैं। लेकिन मुख्य रूप से दुख कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के हैं, आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक। ये तीन प्रकार के जो दुख है और तीन प्रकार के जो गुण है, वो क्या क्या है? शतगुण, रजगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण जो है, ये तीनों गुण मिला करके हम सबको इस प्रकार से घुमा रहे हैं, सुख और दुख में कन्वर्ट कर रहे हैं इस प्रकार से।
तो ये शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए। आत्मा तो कभी न जन्म लिया न मरते है कभी, लेकिन जिसने जन्म लिया वो मरते हैं। जातश्रहि ध्रुवस्मृति, कि जिसने जन्म लिया उसको मरना है, लेकिन आत्मा जो है अविनाशी, ना जाए तो मृत व कदाच, ना आत्मा कभी जन्म लिए ना आत्मा कभी मरते। तो ये पंच महाभूत के साथ पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, इसके साथ साथ और तीन चीज है जो सूक्ष्म रूप में इस शरीर के अंदर बना दिया है, डाल दिया है, वो क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। ये तीनों चीज इस शरीर में दे दिया, ये आठ हो गए। और इसके साथ साथ और भी एक चीज दे दिया है, वो क्या है? आत्मा। आत्मा भी दे दिया, नौ चीज इसके अंदर डाल दिए ये शरीर के अंदर। जैसे वस्त्र बनाते हुए सब कुछ डाल देते, ये चाहिए वो चाहिए सारे चीज दे देते, वैसे इसमें आत्मा भी डाल दिया है, और उसके बावजूद भी ये शरीर चल नहीं रहे। तो ब्रह्मा जी देख रहे कि ये शरीर, शरीर में इतने सारे चीज डाला हुआ फिर भी वो शरीर चल नहीं रहा है, उपाय क्या है, क्या करें, किसके पास जाए? जिन्होंने ऑर्डर किया है उनके पास जाए। ऑर्डर किसने किया? भगवान, पृथ्वी बनाओ, धरती बनाओ, उसमें 84 लाख प्रकार के देवधारी जीवात्मा बनाओ, उनके पास जाकर भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु मैंने शरीर तो बना दिया है और शरीर में से ये सारे चीज डाल तो दिया शरीर में, पर फिर भी वो शरीर चल नहीं रहे, तो कृपा करके अगर आप खुद अगर उस शरीर के अंदर जाए तो ही जाकर के शरीर चल सकते हैं, है ना? जैसे बोलते हैं ना कि उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलते, तो जब तक उनकी इच्छा नहीं होती तब तक कुछ नहीं कर सकते हम। तो स्वयं भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो गए, कारण दक्षय, गर्भ दक्षय और शिर दक्षय विष्णु। इसमें से कौन से विष्णु हमारे अंदर है बताओ? कौन से? शिर दक्षय विष्णु, जो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। सर्वशचाहम हृदि शन्ने विष्णु, कि भगवान बोलते हैं कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। ईश्वर सर्वभूतनम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन मैं सबके हृदय में बैठा हूं और मैं सब कुछ देख रहा हूं, पर भगवान उसमें किसी की इच्छा के हस्तक्षेप नहीं करते। किसी को चाहते कि कोई चाहते कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, भगवान देखते कि नहीं चलो ठीक है ये करो इसको चाहिए, तो भगवान उनको दे तो देते हैं, पर साक्षी के रूप में भगवान हमारे हृदय में वो देख रहे हैं, हर एक चीज भगवान देख रहे हैं, हर क्षण देख रहे हैं। तो जीवन में सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी और भारतीय, अमेरिकन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सारे चीज जो है ये शरीर के लिए है, ना ही आत्मा के लिए। और ये शरीर जब तक इस धरती में, इसे जन्म मृत्यु के चक्कर में रहते हैं, तब तक उनको ये दुख भुगतना ही पड़ते हैं, क्योंकि जिसने इस धरती को बनाया है वो खुद ही भगवद गीता में घोषित कर दिया है। क्या बोले? दुखालयम और शाश्वत, ये दुख के घर है, और इस घर में आकर के कोई अगर सोचे कि मैं ही भोगता हूँ, ये सारा चीज मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, तो वो मूर्खता है, अज्ञानवश होकर रहे। लेकिन जैसे उनको ज्ञान हो जाता है, जब उनको आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाता है,
और तब धीरे 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 इससे डिटैच हो जाते हैं, कह रहे मैं तो ये शरीर ही नहीं हूं, ये सब मेरा कैसे हो सकता है, मैं ये शरीर नहीं हूं तो मेरे ये सारा चीज कैसे हो सकता है। तब वही जीवात्मा, वो जो भगवान को भूल करके संसार में आया, भूलिया तुम्हारे संशयाशी, जो भगवान को भूल करके संसार में आया, आने के बाद इस संसार के भोग विलास में डूबे रहे, तब उनको याद आते हैं कि अरे भगवान को तो मैं भूल गया है, जिन्होंने शरीर को दिया है, जिन्होंने आत्मा को दिए, जिनके मैं अंश हूं, जिनके मैं सेवक हूं। जब किसी भक्तों की कृपा हो जाते, उन भक्तों की कृपा से, उनके संगत से, धीरे 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 समझने लगते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य तो कुछ और है, मैं तो गलत रास्ता पे जा रहा था अब तक, लेकिन अब भगवान कृष्ण की कृपा हो गई, उनकी कृपा से उनके भक्तों से मुलाकात होते हैं, और वही मुलाकात उनको धीरे 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 भक्ति में आगे बढ़ा देती। तो जैसे ही किसी भक्तों की कृपा होते हैं तो वो जीवात्मा के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, और उसी श्रद्धा के द्वारा वो जीवात्मा भक्तों के संगति करते हैं। और भक्त क्या देते हैं, क्या भक्त कभी बताते हैं कि आप चोरी करो, गलत करो, पाप करो, कभी बोलते हैं? भक्त क्या देते हैं? आदो श्रद्धा तथा साधु संग। जैसे साधु संग हो जाते हैं, श्रद्धा उत्पन्न होकर साधु संग होते, वही साधु उनको दे देते हैं भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब उन भक्त उन जीवात्मा को वो भक्त दे देते हैं कि ये नाम का जप करो, और नाम जप करते हुए उनके मन में वही विचार आते हैं कि कब भगवान से मिलें, और जब भजन चालू हो जाते हैं तब धीरे धीरे अंदर के जो अनर्थ है, अंदर के जो गंदगी है, जो हम अभी देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम जब भगवान का नाम जप करते हैं, शायद आप लोगों को रिलेशन होगा कि नहीं, कि जब भी भगवान का नाम जपते तभी अलग अलग विचार आते हैं ना, इधर उधर के मन में विचार आ जाते हैं, ये विचार, उससे बात करना, उससे फोन कर, वहाँ जाना, ये करना, दिस सर दिस, उसी समय ज़्यादा आ जाते हैं। बाकी टाइम पे तो चलो ठीक है, थोड़े बहुत आते नहीं भी आते, क्योंकि माया तो लात मार रही है, उस लात खा खा के हमें तो चलो याद ही नहीं आते, लेकिन जैसे ही भगवान का नाम लेना चालू कर देते हैं उसी समय देखो दुनिया भर की सारी यादें आने चालू हो जाती। क्यों? क्योंकि वो जो अंदर जो गंदगी है ना, कचरा जो भरा हुआ है, वो कचरा वो नाम के द्वारा धीरे 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 सफाई होने को आ रही है। तो माया क्या है, वो माया चाहती कि नहीं आप मेरे अंडर ही में रहो, आप मेरे अंडर ही रहो, आप उनके अंडर मत जाओ, लेकिन जहाँ कृष्ण है वहाँ माया काम नहीं कर सकती, माया का प्रभाव नहीं, जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं माया अधिकार, बोलते ना कृष्ण सूरज, कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार अंधेरा है, जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं माया अधिकार, माया देवी का अधिकार नहीं है। तो हम लोग अभी गले में कंठी माला डाल दिए हैं, तिलक पहने हैं, माला जप करते हैं, अभी लगता होंगे हम भक्त बन गए हैं, है ना? भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन दैवी हस्य गुणमय मम माया दुरत्त है, मामे बजे प्रपद्यन्ते माया में तो तरंती थे। हे अर्जुन, ये मेरी जो माया शक्ति है ना, इसको अब तक कोई नहीं पार कर पाया, कोई नहीं पार कर पाया, लेकिन कोई ऐसा जीवात्मा अगर मेरे शरण में आ जाते हैं तो मैं माया देवी को ऑर्डर करता हूँ, हे माया देवी उनको अब छोड़ दो, क्योंकि वो मेरे शरण में आ गए। तो माया देवी तुरंत उनको छोड़ देती, क्योंकि भगवान का आदेश है ना? तो भगवान की कृपा से हम सभी भगवान का नाम ले तो रहे, ये एक प्रकार से
हम लोग बंधन में भी है और एक प्रकार से मुक्ति में भी हम हैं, क्या हमें मुक्ति भी मिल चुका है। अगर आत्मा के स्तर पर आए तो मुक्ति है, लेकिन जब शरीर के स्तर पर रहते हैं तो हम बंधन में हैं। तो बंधन किस चीज का है, क्या है बंधन? जब कोई जीवात्मा जब इस देह को इस शरीर को आत्मा मान लेते हैं, जब ये खुद बोलते कि मैं हूं, ये मैं शरीर हूं और ये सब मेरा है, तो तभी उसका बंधन है। जब वो सोचते कि नहीं मैं ये हूं ही नहीं, तो उसी समय को मुक्ति मिल जाती है। ये मुक्ति मुक्ति हितम अन्यथा रूपम स्वरूपेन अवस्थिति। जब कोई जीवात्मा अपने स्वरूप में आ जाते हैं तुरंत उनको मुक्ति मिल जाती है। स्वरूप क्या है? जीवेरा स्वरूप है, जीवेरा स्वरूप है, हाँ जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्णदास। नित्य मतलब शाश्वत इटर्नल, पर वही चीज जो भूल जाते हैं, कृष्ण भूली जी भोगो वांछा करे पाशेते माया तरे झापोटिये धरे। ये जो जीव जो है, जो हम सब जीव आत्मा है, ये सब भगवान कृष्ण के नित्य दास है, इटरनल सर्वेंट है। पर ये चीज जब भूल जाते कोई जीवात्मा, कृष्ण भूली जीत, जब भगवान को भूल जाते कोई जीवात्मा, भोग विलास में लगे रहते हैं, भोगो वांछा करे, अतएव माया, तभी माया देवी क्या करती है कि झापोटिया धरे। आप लोग अगर एक छोटे बच्चे को अगर ऐसा पकड़ लेते छोटे से, तो बच्चे क्या रोना धोना चालू कर देंगे ना, ऐसा चिल्लाते रहेंगे ना ऐसा इस प्रकार से। तो वैसे ही माया देवी इतनी शक्तिशाली है कि हम सबको नचा रही है, वो हम सब उतना चाहते हैं। पर जैसे ही हम भगवान के शरण में जाते हैं तो वो माया देवी भी इनको छोड़ देती है। तो भक्तों के संग करना पड़ेगा, जब भक्तों के संग करें तब जाकर के इस संसार से मुक्ति मिले। अगर हम भक्तों के संग ना करें तो फिर इस संसार में पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम, जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ेगा। क्योंकि डायरेक्टली भगवान हमारे पास नहीं आ सकते, क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं है कि हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे हैं, हम आत्मा के स्तर पे आ गए हैं, तो हम शरीर के स्तर पे अभी भी हैं, भूख प्यास ये सारे चीज़ें हमें लगती हैं। तो हमें सदैव भक्तों के संग करना पड़ेगा। तो जब आदो श्रद्धा तथा साधु संग, साधु संग हो जाते हैं, जब वही साधु भगवान का नाम का जप करने के लिए बोलते हैं, भजन क्रिया भजन करने के बाद वो अनर्थ जो है धीरे 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 उसमें निवृत्ति यानी अनर्थ उससे दूर हो जाते हैं, और जब दूर होने लगते तब उनके अंदर आ जाते निष्ठा। निष्ठा मतलब अगर किसी चीज को पकड़ के रखे, भगवद गीता को पकड़ के रखा है हमने, ये दुनिया के सारे शक्ति मेरे पास आए लेकिन मुझे इसे छुड़ा नहीं सकते, यानी वो निष्ठा है। कुछ भी हो जाए पर हम भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में एक बहुत सुंदर घटना है जो आप में से कुछ भक्तों को पता होंगे। राशिय में इस्कॉन के मतलब स्थापना होने से पहले वहाँ बहुत संघर्ष हुए है ना, कई सारे भक्त लोग, काफ़ी भक्तों के नुकसान हुए, और प्रचार करते करते उन भक्तों को बहुत दुख झेलना पड़ा, यहाँ तक कि जेल में गए, पुलिस ने बहुत मार मारे, उसमें से शायद दो यानी तीन भक्तों को देहांत भी हो गए हैं, और जेल के अंदर ले जा करके उन लोग को कुछ मेडिसिन वगैरह ऐसा दिया करते थे, और डॉक्टर के पास ले जाकर उनके इंजेक्शन देते ताकि ये लोग पागल हो जाए, बहुत मार मारते थे बहुत।
लेकिन वो जो भक्त लोग थे वो लोग इतने डेडिकेट, कुछ भी हो जाए आप जरा सोचिए कि एक जन को पकड़ के दो दो तीन तीन पुलिस अगर मारते तो क्या हालत होंगे उनके। और उन लोगों को खाने के लिए भी कुछ देते नहीं थे, बहुत गंदे गंदे चीज़ देते थे उनको, खराब चीज़ें। और ब्रेड भी दिया करते थे लेकिन वो ब्रेड भी मतलब बहुत पुराना, कुछ दिन पहले की ब्रेड वो देते थे, और वो ब्रेड वो लोग नहीं खाते थे। क्या करते थे बताएं, ब्रेड से क्या माला बीड बनाते थे, एक माला बनाया उन लोगों ने, जो ब्रेड खाने के लिए दिया है और उसे ब्रेड को लेकर के वो लोग माला बनाए जो जप करते हैं, और उसमें माला जप करना चालू कर दिया। और जब पुलिस आके देखते हैं कि फिर से वही हरे कृष्ण चालू कर दिए, उसको और मारते हैं, बहुत मार मारते हैं उसको, मारते मारते एकदम ब्लड निकाल देते उनके शरीर से। फिर जिस हाथ से, जिस उंगली से वो माला जप किए, मतलब ब्रेड को बना करके माला जप किए, उस उंगली यानी वो जो हाथ है उसको ले गए दरवाजा के पास, दरवाजे के अंदर डाल दिया, हाथ डाल के दरवाजा ऐसा बंद कर देते और उंगली कट जाते हैं। इस परिस्थिति में भी वो लोग भगवान का नाम को नहीं छोड़े। ये परिस्थिति अगर हमारे पास आए हम क्या करें, है ना? तो ये है निष्ठा। उनमें से दो तीन भक्त तो चले तो गए, लेकिन जो भक्त वहां से बाहर आए, आने के बाद उन्होंने दुख हो जाता है सबसे, कहा है कि क्या हुआ उनके जीवन में, कैसे उन लोग ने जेल के अंदर जीवन बिताए। तो हमें इसे सीखना चाहिए कि जीवन में कुछ भी आए, कुछ भी हो जाए, अंधी हो तूफान हो, जीवन में सुख आए दुख आए, पर भगवान के नाम को नहीं छोड़ना, क्योंकि यही एक नाम है जो कलयुग के जीवात्मा जो है उन्हीं जीवात्मा को उद्धार करने के लिए आए हैं। साक्षात कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते सर्व जीवेर हई उद्धार। हम लोग बहुत सारे प्रोसेस, हम लोग सोचते कि नहीं इससे शायद नहीं हो पाएगा, उससे करें, उससे नहीं, उससे उससे, अलग अलग प्रकार के सोचते कि नहीं चलो ये मंत्र शायद काम नहीं आएगा मेरे जीवन में, दूसरे मंत्र ले लेते, तीसरे मंत्र ये लेते, ये सब। लेकिन कलयुग के जीवात्मा के लिए एक ही चीज़ दिया है, वो है हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र। और ये भगवान के धाम से आया है, कली काले नाम रूपे, नाम के रूप में साक्षात भगवान आ गए हैं, भगवान साक्षात प्रकट हो गए इस नाम के रूप में। हम लोग जन्म तो लेते हैं लेकिन ये नाम जन्म ले लिए इस धरती पे, वो स्वयं भगवान है, और वही स्वयं भगवान इस नाम के रूप में इस धरती पे आ गए हैं। क्यों आए? क्योंकि हम जैसे जीवात्मा को उद्धार करने के लिए, बद्ध जीवात्मा को उद्धार करने के, भगवत धाम ले जाने के लिए कली काले कली युग में आए हैं। शत्र त्रेता दापर, शत्र युग में, त्रेता युग में, दापर युग में, ये शत्र त्रेता दापर इन तीनों युगों में ये नाम भी था, लेकिन उस समय कुछ अलग चीज काम की। लेकिन कलयुग के जीवात्मा के लिए ये नाम ही एकमात्र सार है, और नाम ही साध है, नाम ही साधन है। नाम रूप है कली काले कृष्ण स्वयं भगवान अवतार हुए, और नाम के द्वारा सारे जीव उद्धार हो जाएंगे। और अगर हम सोचते हैं कि नहीं हमारे लिए तो यही अच्छा है, तो भगवान बोलते हैं नमांग दुष्कीर्तन मुरा प्रपद्यन्ते नाराधम, कि जो मूर्ख लोग ये सोचते हैं कि नहीं भौतिक जगत हमारे लिए बनाया है, हमें यही अच्छा लगते हैं, तो भगवान वैसे जीवात्मा को पुनरुपि जनन पुनरुपि जन्म मृत्यु के चक्कर में बार 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 डाल देते हैं कि आओ जाओ घूमते रहो इस चक्कर में। पर अगर हम ये सोचे कि नहीं इस चक्कर से, ये बिजनेस जो है, इस बिजनेस से इसी जन्म में छुटकारा पाना है, तो बस एक दृढ़ संकल्प लो, कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में कहीं भी रहो, भगवान को कभी ना भूलो। जीवात्मा पाप तभी करते हैं जब वो भगवान को भूल जाते हैं।
भगवान को भूलने के नाते तुरंत वो पाप करना चालू कर देते हैं और उस पाप कर्म उनको दुख मिलता है। अहंकार से उनको लालच लोभ होते हैं और लोभ से वो एक रास्ता खोल देते हैं और वो रास्ता से एक सीधा ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से लौटना बहुत मुश्किल है। तो हम भी इसी प्रकार से घूमते 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 में इस जगत में आ गए हैं, इस जगह पे आ गए हैं और यहाँ आ तो गए हैं, भक्तों के संग तो मिल रहा है, भगवान की कृपा तो हो रही है, पर इस कृपा का अगर दुरुपयोग कर दिए हैं तब फिर हमें आना होगा फिर से। तो बहुत सावधान, एक तो इस कलयुग में इतने दुख हैं, कितने प्रकार के दुख हैं, तो इस दुख से छुटकारा पाने के लिए यही एकमात्र सार है। तो जब किसी भक्तों के अंदर निष्ठा आ जाते, निष्ठा के बाद तो उनको चालू हो जाते क्या रुचि यानी टेस्ट। जैसे हम लोग देखते आखिर घर में भी मंदिर में भी अलग अलग सब्जी का टेस्ट लेते हैं, ये सब्जी कैसे वो सब्जी कैसे, सब प्रकार का टेस्ट लेते हैं हम लोग। वो जीभा का टेस्ट लेते हैं ऐसे कि हमें जीभा में अच्छा लगे। तो वैसे ही हरि नाम, जो हरि के नाम है वो नाम का टेस्ट हमें लेना है यानी रुचि आना है। आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा निष्ठा फिर अभी रुचि। ये जो रुचि जब किसी जीवात्मा के पास आ जाता है, किसी भक्तों के अंदर आ जाते हैं, वो रुचि आने के बाद उनके संसार की सारे रुचि यानी सारे टेस्ट उनको तुच्छ लगने लगते हैं। उनको लगता है कि अब तक तो इस संसार के भोग विलास में हम डूबा रहे, लेकिन आज जो मुझे मिला है इसमें मैं जितने डूबते जा रहा उतने ही मुझे नए नए टेस्ट मिलते जा रहे हैं। सही है? मिला टेस्ट पक्का? वाह, मिला तभी तो आज हम यहाँ हैं, है ना? नहीं मिलता फिर नहीं यहाँ होते। भगवान के नाम में इतना टेस्ट है, इतने टेस्ट है कि उस टेस्ट के द्वारा हम भगवान के पास धीरे 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 पहुंचने लगते हैं। तो जब निष्ठा के स्तर पर कोई आ जाता है तो उसे निष्ठा के द्वारा धीरे 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 रुचि, फिर रुचि से आ जाते भाव। भाव यानी कि हम शरीर नहीं है, शरीर में रहते हुए भी हमें शरीर के याद ही नहीं है। जैसे उदाहरण क्या है, जड़ भरत आप लोग सुने होंगे, जड़ भरत की कथा है कि भाव के स्टेज में आ गए हैं। तो वो जो भाव है कि उनके भाव क्या है कि संसार में सारी वस्तु उनके सामने है लेकिन उनको सभी जगह पे क्या दिख रहा है, कृष्ण। उस भाव के स्टेज में आ जाते हैं और जब कोई भाव के स्टेज में आते हैं और वहीं से वो बाद में प्रेम प्रेम के स्टेज पे आ जाते हैं। और हम सबको प्रेम चाहिए, चाहिए ना पक्का? कौन सी प्रेम चाहिए? ये संसार के प्रेम कि जो संसार में अभी दिख रहा है ये सब चाहिए क्या? ये तो टेम्पररी है, ये तो शरीर के लिए है, लेकिन हम तो शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। आत्मा को प्रेम चाहिए, लेकिन वो जो प्रेम है वो प्रेम वो ही दे सकता है जो प्रेम का साक्षात अवतार कृष्ण, साक्षात मूर्ति है वो कृष्ण दे सकते हैं। तो हम सबको प्रेमा भक्ति चाहिए, प्रेम रूपी भक्ति। तो जब कोई जीवात्मा इस प्रकार से आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि भाव और प्रेम के स्टेज पे आ जाते हैं तब इस संसार से मुक्ति मिल जाता है, वो इस संसार से परे हो जाते हैं। तब वो जहां भी रहे वहीं से भगवान के नाम रूप गुण लीला परिकर सब कुछ उनके पास आ जाता है। भगवान के नाम में रुचि,
भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भक्त जहां भी रहते हैं वहीं से भगवान की सारी चीज दर्शन कर लेते हैं। जैसे भगवान हमें वृंदावन में लीला करते होंगे, ये 12:15 बज गए दोपहर के, अभी भगवान गौ माता को लेकर के गए होंगे, है ना, जा करके गौ माता को छोड़ दिए और ग्वाल ग्वाल के साथ खेल रहे होंगे। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं वैसे ही वो लोग शायद हो सकते कि बैठ के खेल रहे हैं, खाना खा रहे, कुछ भी कर रहे थे। तो ये लीला हम दर्शन नहीं कर पा रहे क्योंकि जैसे कि हम लोग कोई न्यूज़ देखते हैं मीडिया, मतलब टीवी में कहाँ क्या हो रहे हैं वो सारी चीज़ हम देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। और वैसे जो शुद्ध भक्त होते वो लोग भी भगवान की लीला को दर्शन करते हैं, लेकिन वो भक्ति के माध्यम से, ना कि इंटरनेट ना कि टीवी, वो सब चीज़ को कोई जरूरत नहीं पड़ती भक्तों को। भक्त हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, भक्त हमेशा भगवान की लीला में रहते हैं, भक्त हमेशा भगवान की सेवा में रहते हैं, भक्त एक क्षण के लिए भी भगवान से दूर नहीं होना चाहते। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय हैं। सब भगवान के प्रिय हैं, लेकिन उसमें से जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। वैष्णव हृदय सदा गोविंदो विश्राम, गोविंदो कहन मरो वैष्णव प्राण। भगवान हमेशा भक्तों के हृदय में विराजमान रहते हैं और स्वयं भगवान बोलते हैं कि वैष्णव जो है वो मेरे प्राणनाथ प्राण है। हमारे प्राणनाथ है भगवान कृष्ण, लेकिन भगवान के प्राण कौन है? उनके भक्त। तो हमें भक्त बनना है, हमें भक्ति करनी भगवान को पाने के लिए। तो जब भगवान को पाने के लिए हम भगवान की भक्ति करते हैं और जब भगवान को पा लेते हैं तब पाने के बाद क्या रह जाता है हमारे पास? और तो कुछ करना नहीं है ना, कुछ भी नहीं करना। हाँ, वहाँ भी जाकर के भक्ति करनी। और वो कैसे भक्ति? साक्षात भगवान सामने खड़े, जो राधा कृष्ण, जो राधा राजगिरी को हम दर्शन कर रहे हैं अभी, वो स्वयं वहाँ है और उनके सेवा कर रहे हैं हम, वो हमसे बातें कर रहे, हम उनसे बातें कर रहे, उनकी लीला का दर्शन कर रहे। और भगवान हमेशा भक्तों को हमेशा आनंद देते हैं क्योंकि वो स्वयं आनंद में ही रहते हैं और इसीलिए भक्तों को हमेशा आनंद ही आनंद देते हैं। तो जब हम शरीर के स्तर पे आ जाते हैं वही जीवात्मा, तब हमें लगता है कि नहीं, मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिए हैं, माता पिता है, भाई बहन ये सब है, घर द्वार ये सब चीज़ है, तो भगवान की कृपा से इसे छुटकारा मिल जाते भक्तों के संगति से। एक बार की बात है, ऐसा एक राजा था, वो राजा देहांत हो गए और एक यमराज बालक के रूप धारण करके उस घर में आ जाते राजा के महल में। और आने के बाद फिर देखते हैं कि सभी जितने सारे रानियां थे उनके, जितने प्रजा है, सब रोना धोना चालू कर दिए है। उनको पूछ रहे, वो बालक पूछ रहे, क्या हुआ क्या हुआ, किस लिए ये सब चीज़ का रोना धोना क्यों? तो सभी बोले कि देखो आप छोटे बालक हैं, आपको नहीं पता कि हमारा क्या नुकसान हो गया आज। बोले क्या हुआ? बोले राजा नहीं रहे। बालक शौक हो जाते, क्या बात है राजा नहीं रहे, मतलब राजा तो यहीं सो रहे, उठाओ उनको जगाओ। तो सबने बोले कि नहीं नहीं, वो राजा अभी नहीं रहे और आप बालक हैं, आप इस प्रकार से प्रश्न मत करो, आप दूर चले जाओ। लेकिन वो बालक हैं, वो जीत करने लगे, क्या बताओ बताओ क्या हुआ क्या हुआ। फिर जब बताए कि राजा मर गए हैं, राजा नहीं रहे और उसके लिए हम सब दुखी हैं, तो तभी
वो बालक ने वो जगह पे भगवान की कथाएं सुनाते हैं, भागवत सुनाते हैं कि देखो ये जो संसार है ये संसार नश्वर है, ये जो घर है ये टेम्पररी है, हम कहीं जाते हैं भाड़े पे कोई घर ले लेते हैं और उसके बाद अगर उसका अगर रेंट ना भरे और अगर हम सोचे कि वो अपना ही है तो ये कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो भाड़े पे लिए, उसमें कुछ दिन रह गए तो क्या करो, अगर हम अपना समझे तो उसका जो मालिक है तो मालिक हमें भगा देंगे ना, आपने रेंट भी नहीं भरे। तो उसी तरह ये जो घर है, जो संसार है, ये भगवान के द्वारा बनाया गया है, भगवान ने इस ब्रह्मांड को बनाया, इस सृष्टि को भगवान के द्वारा बनाया गया, और इसमें जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट है हम लोगों के लिए भगवान ने वो सारे चीज़ दे दिए हैं, सूर्य चंद्रमा दिन रात अग्नि पानी हवा ये सारे चीज़ भगवान ने पहले से व्यवस्था करके रख दिया है, और उसके बाद ये सारे चीज़ सृष्टि किए हैं 84 लाख प्रकार के शरीर। तो जब इस प्रकार से वो बालक वहाँ पे भागवत गीता भागवत के बारे में उपदेश देते हैं तब धीरे धीरे सब लोग को समझ में आ जाते हैं कि असली में हमें शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। अगर हम शरीर होते तो हमारा जो राजा है वो राजा तो यही है, वो अभी उठ क्यों नहीं रहे? तो उनके अंदर से आत्मा निकल गई, इसलिए वो आज हम बोलते हैं कि वो मर गए हैं करके। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने आप को शरीर ना समझें, हम अपने आप को आत्मा समझें कि मैं शरीर नहीं हूँ। कभी भी अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर कुछ हो जाते हैं, मेरे हाथ में ऐसा हुआ है, मेरे हाथ ये नहीं बोलते मैं ऐसा हो गया ऐसे। तो आत्मा भगवान के पास जाना चाहते हैं, लेकिन अगर ये जो इंद्रिय है, इंद्रियों के भोग विलास में अगर इस संसार में हम डूबे रहेंगे तो आत्मा वहाँ कैसे पहुँचेगी? तो इसलिए भगवान के नाम ही एकमात्र आधार है, भगवान के नाम ही एकमात्र सार है, और वही नाम के द्वारा ये आत्मा उस परमात्मा के पास जाएंगे। हमारा पार्मानेंट वो घर है, ये टेम्पररी घर है जहाँ हम लोग रह रहे हैं अभी, पर इसमें भी हम ऋणी हैं कि भगवान से सारे चीज़ ले तो रहे हैं, उसके बदले हम कुछ दे भी नहीं रहे, पर एटलीस्ट श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये जो मिला है हमें, ये जो हरिनाम जो गोलोक वृंदावन के हैं, भगवान के धाम के हैं, उस नाम का जप करो, भक्तों के संग करो, जब तक इस धरती पे हम हैं, जब तक इस दुनिया में हम हैं, तब तक भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रभु आपके नाम, आपके भक्त और आपके भक्ति और आपके सेवा से हमें दूर ना रखिए प्रभु, क्योंकि संसार में बहुत दुख है। एक तो जन्म मृत्यु के दुख है, दूसरी ओर ये जो हम अहम समझते हैं कि मैं हूँ मेरा है ये सब, ये समझने के बाद हमें इस प्रकार से दुख मिलता है। तो हमें ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है यहाँ से आप छुटकारा दे दीजिए, तो भगवान दे देंगे, परंतु उसके लिए एक उपाय भगवान बताया, सरल उपाय, वह है भगवान का नाम कलयुग के लिए। तो इस नाम के द्वारा हम उद्धार हो सकते हैं, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कलो नस्तेब 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 गतिरन्यथा, और कोई गति नहीं है, इस नाम के अलावा कोई गति नहीं है। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ये शब्द बोल रहे हैं, कलयुग में एकमात्र नाम ही आधार है, नाम ही सार है। तो आप लोग सभी कृपा करके भगवान का नाम जप कीजिए, और जप में रुचि लाइए,
जब तक रुचि नहीं लाएंगे नाम में, तब तक इस संसार में हमारी रुचि बढ़ जाती है। तो जो इच्छा भौतिक जगत में है हमारी, वही इच्छा अगर भगवान में हो जाते हैं, भगवान के नाम में हो जाते हैं, जीवात्मा तभी मुक्त हो जाते हैं, तुरंत मुक्त हो जाते हैं। अगर हमारे मन में ये इच्छा है इस संसार को भोगने की, हमारे मन में ये इच्छा है कि संसार के राजा बनने की, लेकिन वो तो टेम्पररी है, वो तो पार्मानेंट नहीं है, लेकिन वही इच्छा अगर भगवान के चरण में रख देते हैं कि प्रभु मैं आपके सेवक बनना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो भगवान उसी समय उनको क्या करते हैं, ददामी बुद्धि योगम, भगवान तब बुद्धि प्रदान कर देते हैं, तब बुद्धि दे देते हैं। और ये बुद्धि दुरुपयोग मत करो जो भगवान ने हम सबको दिए हैं। तेषां शततो युक्तानां भजतां प्रीतम, जब भजन करने चालू कर देते तब भगवान उनको बुद्धि प्रदान करते हैं, और वही बुद्धि के द्वारा वो धीरे 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 भगवान तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए आप सबसे यही विनती है, किसी प्रकार से भगवान के नाम में टेस्ट यानी रुचि लाइए। जब तक हम नाम में रुचि नहीं लाएंगे, तब तक संसार के सुख और दुख में हमें उलझना पड़ेगा, फिर उसी में हम फंस जाएंगे, धीरे 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 फिर आने जाने के चक्कर में लगे रहेंगे। लेकिन इससे हमें इसी जन्म में छुटकारा पाना है, ठीक है? चाहते हैं सब लोग भगवत धाम जाने के लिए? पक्का? क्या है भगवत धाम में, भगवान के धाम में क्या है? हाँ, क्या है? आनंद, केवल आनंद कंद, वहां केवल और केवल आनंद है, वहां सुख और दुख से कोई की नहीं है, सुख दुख तो इस संसार के लिए है, वहां केवल और केवल आनंद ही आनंद है, वहां कोई दुख नहीं है। वो वैकुंठ है जहां कोई कुंठा नहीं है, जहां कोई दुख नहीं है, ये कुंठा जगत है। कुंठा मतलब जहां दुख, कुंठा का मतलब दुख, ये दुख के घर है, दुखालय मा शाश्वतम। तो इस दुख से छुटकारा पाना है तो भगवान के नाम का जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ठीक है, रखते हैं अभी। हाँ, कुछ प्रश्न है? गौरीय संप्रदाय का सिद्धांत क्या है? अच्छा प्रश्न है। गौरीय संप्रदाय है क्या, वो भी समझना है। आप जिस संस्था में हैं उसका क्या नाम है? करेक्ट, ब्रह्म मध्य गौरीय वैष्णव संप्रदाय। आपका क्या सिद्धांत है, आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, है ना? सबका एक ही जड़ है, वो है कृष्ण। सबको भगवान के पास ही पहुँचना है, लेकिन सबका अलग अलग सिद्धांत है, सबका अलग अलग। जैसे पांच उंगलियाँ सब अलग अलग प्रकार के हैं, ऐसे सबका अलग अलग सिद्धांत है। लेकिन वैष्णव जो फिलोसफी है, वैष्णव के जो भगवान भक्ति, तो इसमें जो श्रील प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन बनाया है, इसमें एक ही है, किसी भी प्रकार से जो भगवान कृष्ण यानी स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए, आने के बाद चैतन्य महाप्रभु कौन है, कौन है? स्वयं भगवान। पक्का? क्या अवतार लिया है? पक्का ना? हाँ, करेक्ट, राधा कृष्ण का इनकर्नेशन है, अवतार है, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन स्वयं भगवान है वो, ठीक है? वो चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ड्रेस को यानी बाहर के ड्रेस जो है हम लोग जो पहने, मतलब भगवान के जो शरीर का जो कलर है, वो कलर को सिर्फ बदल दिया है, वो ऐसा नहीं, वो ऐसा हो गया है, बस यही अंतर है, राइट, है ना? हाँ,
तो वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं गोलोक वृंदावन से, जो हम बोले ना कि हम सबको प्रेम चाहिए, गोलोक प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक वृंदावन के जो प्रेम है वो प्रेम को वहां से ला करके हम सबको दे दिए हैं। और देने के बाद बोलते हैं कि बस इस नाम का जप करो और मुझे खरीद लो। भगवान को खरीद सकते हैं हम, सोचो, और फ्री में, कोई पैसा नहीं लगता उसमें खरीदने के लिए। उन्हीं का नाम है, उन्हीं का संपत्ति है, उनके संपत्ति देकर के उनको हम खरीद सकते हैं। तो कितने दयालु है भगवान। तो उन भगवान को खरीदने के लिए ये जो नाम है, ये नाम दिया है, इस नाम लेते 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 थे, कभी ऐसा दिन आ जाए कि भगवान तक पहुंच गए हमें पता भी नहीं चले। तो इसलिए भगवान का नाम है रुचि लाओ, श्री पर श्री रुचि, टेस्ट लाओ नाम के प्रति। जब कोई श्रद्धा रखते हैं, जो टेस्ट लाते हैं, तो उनके लिए संसार के सारे तेज एकदम तुच्छ लगने लगते हैं कि अरे किस जगह पे आके फंस गया हूँ। कब वो दिन आए कि उस प्रकार से गोपियों के भाव में हम कृष्ण कृष्ण करके पागल हो जाएंगे, है ना। लेकिन वो दिन आना बहुत मुश्किल है, भगवान की कृपा हो तो। फिर हाथी भी चींटी बन जाते, चींटी भी हाथी बन जाते हैं। तो भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता, सब कुछ संभव है। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी एक क्वेश्चन है मेरा, लास्ट क्वेश्चन।